दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जो इम्प्लीमेंट की सेटिंग और ट्रैक्टर की सेटिंग में, वो है जब इतनी भारी उपकरण आप ट्रैक्टर के साथ चलाते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब ये ज़मीन में जाके काम करेगी जहाँ बहुत ही हार्ड सॉइल है तो रेयर टायर में आपको वजन बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो टायर की स्लिप होने के संभावने ज़्यादा होते हैं। तो दो तरीके हैं जो आप रेयर टायर में वजन बढ़ा सकते हो, एक तो है उसको बोलते हैं ब्लास्टिंग, कास्ट आयरन की वेट मिलती है वो पीछे आप बोल्ट निकाल के यहाँ जोड़ सकते हो जिससे टायर में वेट ढल जाता है दोनों टायरों में, जिससे ट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा व्हील स्लिप नहीं होता और जुताई सही तरीके से करेगा और टायर की नीयत भी बनी रहती है और डीजल कम खाता है। और दूसरा बहुत ही आसान तरीका है ब्लास्टिंग करने का, वो है वाटर ब्लास्टिंग, मतलब इस टायर के अंदर आप 75% तक पानी भरोगे और 25% तक इसमें हवा भरोगे जिससे क्या है वेट बढ़ जाता है और पानी आपको हर तरफ उपलब्ध होता है, तो आसानी से आप इसमें ब्लास्टिंग कर सकते हैं। आइए दोस्तों वाटर ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे। टायर में वाटर ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे पहले ट्रैक्टर के रियर एक्सल पे जैक लगा के ट्रैक्टर को पूरा ऊपर उठाना होता है। ऊपर उठाने के बाद हम ट्रैक्टर के टायर से हवा को निकालते हैं। हवा निकालने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है, इस बात पे आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉल बॉडी में चेकनट लगा होना चाहिए। अगर आपने चेकनट निकले हुए वॉल बॉडी से हवा निकाल दी तो आपकी वॉल बॉडी आपके टायर के अंदर जा सकती है और आपका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इसमें वॉल बॉडी लगी हो उसके बाद फिर इसके वॉल को रिमूव कर लेते हैं जिससे ट्रैक्टर के टायर से पूरी हवा निकल जाती है। टायर से हवा निकलने के बाद अब हम टायर में पानी भरते हैं। पानी भरने के लिए हम तीन तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपके घर में जैसा कि लोकली देखा गया है कि सभी के घरों में बाल्टी होती है और पाइप्स होती है, तो आप बाल्टी में पानी भर के उसको पाइप के माध्यम से इस टायर में डाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है कि आप इसको नल से भी इसमें पानी भर सकते हैं और तीसरा है कि आप प्रेशर पाइप्स का यूज करके भी इसमें पानी भर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे आसान सा मेथड, बाल्टी की पानी को हम टायर में कैसे डालते हैं। तो दोस्तों बाल्टी में पानी भरने के बाद उसको पाइप के माध्यम से हम इस टायर में डालेंगे। जैसा कि आपको देखने में आ रहा है कि इस ट्रैक्टर में पानी भरने के लिए सबसे पहले बाल्टी को हमने इसके बोनट के ऊपर रखा है, इसके बाद इस पाइप के माध्यम से हमने पाइप खींच के और अब इस पाइप को हम इस वॉल बॉडी के साथ में लगाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि पानी का लेवल धीरे धीरे बाल्टी में कम होता जा रहा है, अर्थात ये पानी सीधे इस टायर के अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। टायर में पूरा पानी भर जाने के बाद जब पानी इस वॉल बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाए तो आप ये समझिए कि टायर में पूरा पानी भर गया है। जब ट्रैक्टर के टायर में पूरा पानी भर जाएगा उस समय पानी इस वॉल बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। जैसा ही इस तरीके से हो तो आप ये समझ जाइए कि ट्रैक्टर के टायर में पूरा पानी भर गया है। अब आप पानी के कनेक्शन को यहाँ से निकाल दें और उसके बाद इस ट्रैक्टर के टायर को घड़ी की 12 बजे की सुई के हिसाब से अब आपको इसको 1 या 11 की पोजीशन पर रखना है जिससे कि टायर में केवल 75% पानी होगा और 25% हवा भर ली जानी चाहिए। उसके लिए अब हम टायर को घुमा के 11 बजे या 1 बजे की पोजीशन पे रखेंगे। जब हम 11 बजे की पोजीशन पे रखते हैं उस समय हमारा जो ज़्यादा पानी होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे पानी का लेवल सही हो रहा है और एक ऐसा समय आएगा कि जो एक्सेस पानी होगा वो इस टायर से निकल जाएगा। 11 बजे की पोजीशन पे करने के बाद जब वाल बॉडी से पानी आना बंद हो जाए तो आप ये समझिए कि इस टायर में 75% पानी केवल रह गया। उसके बाद आपको इस टायर को घुमा के फिर से 12 बजे की पोजीशन पे लेके जाना है, इस वाल बॉडी में इस पार्ट्स को लगाना है और उसके बाद हम इसमें हवा भरेंगे। टायर में 75% पानी होने के बाद इसमें आपको 7 से 8 पाउंड तक की हवा भरनी है, जिसमें इस चीज़ को आप प्रेशर गेज से चेक भी कर सकते हैं कि 7 से 8 पाउंड ही हवा हो और इससे ज़्यादा हवा आपको नहीं रखनी है, नहीं तो अननेसेसरी टायर पे प्रेशर आएगा और टायर की घिसावट ज़्यादा हो सकती है।